तो क्या हर वक्त आप लोग साइंस साइंस करते रहते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में बात नहीं करते? भारत की संस्कृति कितनी काबिले तारीफ है उसकी बात तो आप नहीं करते कि गौमूत्र से जब कह रहे हैं हम लोग कि भग जाएगा, पर आप तो हमें हंसी का पात्र बना रहे हैं, आप हंस रहे हैं भारत की संस्कृति के ऊपर। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जब खुद की धरती पे तो आप ये सब पश्चिमीकरण और ये जो वेस्टर्न कल्चर की भूमिकाएँ कर रही है वैक्सीन लगवा के, तो ये बंद कीजिए, ये वैक्सीन मत लगाइए, मैं तो सीधा कहता हूँ। या फिर जो नहीं पी रहे हैं ना उसको ज़बरदस्ती पकड़ के इधर वैक्सीन के नाम पे वो लगा दीजिए गौमूत्र, क्योंकि उससे भी तो सही हो रहे हैं लोग हमारे देश में। मजा आया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो आपको कभी कोरोना से बचना है ना, तो चुपचाप जाइए रोड पे या फिर किसी के यहाँ गाय वाय बंधी हो तो आप गौमूत्र ले लीजिए, पी लीजिए, तो आपको कोरोना नहीं होगा, आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और आप बिल्कुल एकदम जैसे अमेरिका बिना मास्क का घूम रहा है, वैसे आप भी फिर बिना मास्क के आसानी से घूम सकते हैं। तो ये कहना है हमारी प्रज्ञा ठाकुर जी का, जो खुद को साध्वी कहती हैं, पर कोर्ट में इनके ऊपर कुछ खतरनाक चार्जेस इनको लिप्त पाया गया है कुछ ऐसे कांडों में। ये वीडियो का सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये बस आपके मनोरंजन के लिए बनाई थी। और जब आ रहे आप यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, कि क्या उसमें भी तुम्हारी उंगलियों में दर्द हो जाएगा? करो करो करो, अरे करो तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और ऐसे ही एक हमारे नाइजीरिया के चाचा है जो विधायक है, उन्होंने कहा है कि कभी आपको कोरोना से बचना है तो आपको ठंडे पानी में गौमूत्र लीजिए और पी लीजिए। सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए, हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा, वो जो है गौमूत्र या गोधन अर्क होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आपको कभी नहीं मिले तो आप बिजनेस टाइकून रामदेव जी का ले सकते हैं, गो अर्क के नाम से जो बिकता है, तो आप वो पिए और बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहिए, आपको तब मास्क की और वैक्सीन की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आदमी को नहीं मिल रही है वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया है, वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, और तो जो लोग गौमूत्र पिए तो दिमाग ऐसा ख़तरनाक चल रहा है उनका, तो बस सीधे बोल दिए कि भाई आप गौमूत्र पी लीजिए, गुड़ गोबर कर लीजिए। स्वामी जी के संस्थान में लोग गोबर से नहा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे महानुभव है हमारे यहाँ पे हमारे देश में। कुछ भी नेशनल प्रेसिडेंट एट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव द काउ डंग कैन बी यूज्ड एज एन ट्रीटमेंट और इम्यूनिटी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इसके लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों ने ये कहा है कि भैया ऐसे गुड़ गोबर मत करो, क्योंकि हो सकता है कि जो ये ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी आई है अलग से, तो ये हो सकता है कि उससे गुड़ गोबर करने से ज़्यादा होने के चांस हो सकते हैं। पर आप लोगों को कैसे समझाएं, क्योंकि हमारे मेक इन इंडिया के तहत, वोकल फॉर लोकल के तहत लोग जब गौमूत्र को वैक्सीन से आगे ले गए हैं, गोबर से अन्य आगे ले गए हैं, और रशिया में भी ये खबरें जा चुकी है, तो रशिया कहीं ऐसा ना हो कि जो उसकी वैक्सीन है उसको यहाँ पे भेजना बंद कर दे, तब आपको हमको सबको गौमूत्र ही लेना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात कही आपने, तो उसको आप अमेंडमेंट कर दीजिए, उसको आप बदल दीजिए, और उसकी जगह आप एक दूसरी बात लिख दीजिए। हम जो कह रहे हैं कि जो गौमूत्र है आप उसको नेशनल पेय पदार्थ या नेशनल ड्रिंक घोषित कीजिए, ताकि पूरे देश ये पी सके और कोरोना की जो लहर चल रही है वो ख़त्म हो सके। और तीसरी लहर तो हो सकता है कि जड़ से ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि गौमूत्र सब लोग पी लेंगे
तो अच्छा हो जाएगा। आप उसमें एक और कुछ ऑफर भी दीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया कभी सब लोग पिएंगे तो उनको पासपोर्ट मिलेगा, उनको कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, और कभी कोई गोबर करे, गुड़ गोबर करे, गोबर से नहाए, गोबर खाए, तो उनके लिए एक और ऑफर रख दीजिए कि उनको यूरोप की ट्रिप दी जाएगी जब सब हमारे जब ये हवाई जहाज वगैरह चलने लग जाएंगे। Frontline warriors. We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness. I am sorry, Babu. और जो गौमूत्र नहीं पिएगा उसको उसका जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसकी जो पेंशन है वो भी ख़त्म कर देंगे, जिसको जो स्कॉलरशिप मिल रही है ये सब ख़त्म कर दीजिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आप इसको जल्दी से जल्दी आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो हमारा देश अभी इसमें चल रहा है बुरी स्थिति में, तो ये ख़त्म हो सके और हम एक अच्छे दिन देख सके जैसे कि आपने वादा किया है। हालांकि अच्छे दिन तो आ चुके हैं पर कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। गंगा में जाके डुबकी लगाइए तो आपको अच्छे दिन ज़रूर देख सकते हैं आप वहां पर। अच्छे दिन क्या, ये तो मतलब कि भारत का स्वर्ण दिन चल रहे हैं, गोल्डन डेज चल रहे हैं इंडिया के, जो हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे महापुरुष मिले हैं जो 18 घंटे काम करते हैं और लोगों का मनोरंजन मतलब लोगों का काम करते हैं। और जो ये सब ये दूसरे देशों से ना ऑक्सीजन मंगाना और वैक्सीन मंगाना और ये जो जो सब चीज़ें मंगा रहे हैं ना, मंगाना बंद कीजिए। हम लोग घर पे बैठे बैठे सब गायत्री मंत्र का, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और अभी हम एक दो दिन में सभाएं आयोजित करवाएंगे जिसमें यज्ञ वगैरह करवाने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि जो हवा में जितना भी वायरस है वो ख़त्म हो सके। तो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लीजिए। और हम तो ऐसी अनगिनत भ्रांतियाँ मार्केट में चल रही है और लोग काफ़ी फैलावा बिजनेस है, लोग मज़े ले रहे हैं लोगों के और खुद का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जो जनहित वाली और देशहित वाली बातें हैं, तो ये भैया आप प्लीज़ अपने तक ही रखिए, क्योंकि आप हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, तो आप थोड़ी अच्छी बात कीजिए यार। पर आपने तो ये बस कहीं भी हो कि गौमूत्र ले आए बीच में, कहीं भी हो कि गोबर गणेश ले आए बीच में, तो आप कभी कोई समझाने जाए कि ऐसा मत करो तो बस वो तो देशद्रोही हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा कि ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, इनको गौमूत्र से नफरत है, गाय से नफरत है। जबकि जब ये सड़क पे गाय घूमती है ना, तब ये नेता का जो काफिला होता है 20-50 गाड़ियों का, वो साइड से निकल जाता है, और जब राजनीति की बात आती है तो गाय वाय को बीच में ले आते हैं। अब सब लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो सबको अपनी बात रखने की अनुमति है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो सब कोई कह सकता है कि जिसको गुड़ गोबर खाना है खाओ, नहाना है नहाओ, जिसको गौमूत्र पीना है पियो। पर कम से कम यार ऐसे लोगों में भ्रांतियाँ मत फैलाओ, अंधविश्वास मत फैलाओ कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो वैसा होगा। वैक्सीन की बात कोई नहीं कहता कि वैक्सीन शॉर्टेज है, ओवर प्रोडक्शन करो, एक नेताजी कह दिए तो नेताजी को मतलब कि सरकार की तरफ से लग गए, अच्छे से सुताई हो गई कि भैया आप सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि सरकार और प्रोडक्शन करे और ये करे। आप भी कभी गौमूत्र की बात कह देते तो आपकी थोड़ी सी वाहवाही हो जाती मार्केट में और नेताओं के बीच और सरकार के बीच, तो अच्छा रहता।